वेलकम बैक। बिहार में नीतीश सरकार के एक विधायक मुश्किल में फंस गए हैं। बिहार के जोकीहाट से विधायक सरफराज आलम पर चार दिन पहले राजधानी एक्सप्रेस में एक दंपत्ति ने छेड़खानी और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। उस वक्त विधायक ने दावा किया था कि वो उस दिन ट्रेन में सफर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब रेलवे स्टेशन की CCTV तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें विधायक का झूठ सामने आ गया। पहली बात तो ये जो बातें हैं कोई निराधार है और इसका कोई आगे पीछे, मैं जबकि उस ट्रेन से सफर ही नहीं किया। ये जेडीयू विधायक है, नाम है सरफराज आलम। इन पर ट्रेन में एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप है। आरोप लगते ही विधायक ने झूठ बोला कि इन्होंने ट्रेन में सफर किया ही नहीं, लेकिन रेलवे स्टेशन के CCTV की इन तस्वीरों ने जेडीयू विधायक सरफराज आलम की पोल खोल दी है। पहली बात तो ये जो बातें हैं कोई निराधार है और इसका कोई आगे पीछे, मैं जबकि उस ट्रेन से सफर ही नहीं किया। सुना आपने, विधायक सरफराज के मुताबिक जिस ट्रेन में इन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया उस ट्रेन में ये थे ही नहीं, उन्होंने इस ट्रेन में सफर किया ही नहीं, लेकिन इनका झूठ पकड़ा गया। ये कटिहार स्टेशन की तस्वीर है, इसमें विधायक सरफराज दिखाई दे रहे हैं। अगर इन्होंने इस ट्रेन में सफर नहीं किया तो ये स्टेशन पर क्यों आए? मैं जबकि उस ट्रेन से सफर ही नहीं किया, निराधार है। हमारे छवि पर, हमारे पॉलिटिकल करियर पर ये लगता बहुत हाई लेवल का पॉलिटिक्स है, सियासत है, षड्यंत्र। ये मामला 17 जनवरी गुवाहाटी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का है। उस दिन ट्रेन में सफर कर रहे एक दंपति ने आरोप लगाया कि कटिहार स्टेशन पर विधायक अपने समर्थकों के साथ जबरदस्ती उनके कंपार्टमेंट में घुसाए थे और कंपार्टमेंट में आते ही विधायक ने दंपति के साथ दुर्व्यवहार किया। विधायक सरफराज ने उस दिन कटिहार से पटना जाने के लिए गुवाहाटी राजधानी दिल्ली में सफर किया था, लेकिन जब इन पर आरोप लगा तो विधायक साफ झूठी कहानी गढ़ने लगे। मैं पटने में था और आज भी पटने से मैं बाई रोड गया था, बाई रोड आया, वो टोल टैक्स सब पर होता है, मैं गया हूँ, जाने में आया हूँ गाड़ी से, हमारे साथ सिक्योरिटी था। गुवाहाटी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 17 अप्रैल करीब 4:15 बजे कटिहार स्टेशन से चली थी। अब इन CCTV तस्वीरों को देखिए, 4:10 हो रहे हैं, स्टेशन के गेस्ट रूम से निकलकर ये ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। विधायक सरफराज के झूठ का सिर्फ यही एक सबूत नहीं है, कटिहार स्टेशन के बाहर लगे इस दूसरे कैमरे की तस्वीर देखिए। इस कैमरे में ट्रेन आने से पहले विधायक सरफराज की गाड़ी आती दिखती है। अब तीसरे कैमरे में देखिए, विधायक सरफराज ट्रेन के समय से पहले स्टेशन पहुंच गए थे, इसलिए गेस्ट रूम खुलवाया गया जहां इन्होंने ट्रेन आने का इंतजार किया और ट्रेन आने पर ये ट्रेन में बैठने के लिए जाते हुए दिख रहे हैं। और फिर 10:43 पर ट्रेन पटना स्टेशन पहुंची, वहां की CCTV तस्वीर में भी विधायक की तस्वीर कैद हुई है।